एनएससी की पूर्व सीईओ और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने शेयर बाजार के कर्मचारियों की कथित अवैध फोन टैपिंग के मामले में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। क्या है ये पूरा मामला और संजय पांडे कौन है, इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। पूर्व एनएससी प्रमुख चित्तया रामकृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एनएससी को लोकेशन स्कैम मामले में सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसते हुए एक नया मामला भी दर्ज किया है। सीबीआई के अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की कार्रवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर सख्ती बरतते हुए सीबीआई ने इस मामले की तह तक जाने के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी भी शुरू कर दी है। मामला क्या है? मामला फोन टैपिंग का है। सीबीआई ने एनएससी की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्णन, रवि नारायण और मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे के खिलाफ 2009 और 2017 के बीच कथित तौर पर एनएससी कर्मचारियों के फोन टैप करने के आरोप में नया केस दर्ज किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले को लेकर कई जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। संजय पांडे की बात करें तो वो 30 जून को ही रिटायर हुए थे। उसी के दो दिन बाद उनके खिलाफ सीबीआई जांच की बात सबके सामने आई थी। सीबीआई की इसी एफआईआर में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू की और 5 जुलाई को दिल्ली में संजय पांडे से 5 घंटे से ज़्यादा पूछताछ भी की गई थी। सीबीआई की पांडे के यहाँ रेड ईडी की पूछताछ से 4 दिन बाद पड़ी है। संजय पांडे 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कुछ साल पहले ही पुलिस की नौकरी से इस्तीफा भी दिया था, लेकिन तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार ने वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। इस्तीफा देने और पुलिस सेवा में वापसी के सालों के बीच 2001 में संजय पांडे ने आईसेक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ऑडिट कंपनी बनाई थी। अब यही कंपनी उनके लिए जी का जंजाल बन गई है। आरोप यह है कि पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे द्वारा बनाई गई आईसेक सिक्योरिटीज को पूर्व एनएससी प्रमुखों द्वारा एनएससी कर्मचारियों की निगरानी के लिए कहा गया था। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में भी सीबीआई तलाशी ले रही है। सीबीआई ने बताया कि एनएससी की सुरक्षा ऑडिट करने वाली कंपनियों में से एक यानी आईसेक सिक्योरिटीज ने 2009 से 2017 के दौरान अवैध रूप से एनएससी कर्मचारियों के फोन टैप किए थे। कंपनी ने उस समय के आसपास यह ऑडिट किया था जब कथित तौर पर कोलोकेशन अनियमितताएं भी पाई गई थी। मार्च 2001 में पांडे ने यह कंपनी खड़ी की थी और मई 2006 में उन्होंने इसके निदेशक पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद कंपनी का प्रभार उनके बेटे और उनकी माँ ने ले लिया था। बताया जा रहा है कि आईआईटी कानपुर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले संजय पांडे ने सेवा से इस्तीफा देने के बाद यह कंपनी खड़ी की थी। हालांकि उनके इस्तीफे को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया था और वो दोबारा से सेवा में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें तत्काल कहीं तैनात नहीं किया गया था। पांडे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीति एमबीए सरकार के दौरान मुंबई पुलिस के आयुक्त भी रहे थे। संजय पांडे और रामकृष्णन फिलहाल कोलोकेशन घोटाले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने एनएससी एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्णन को 2018 में दर्ज एक मामले में पहले गिरफ्तार किया था। मई 2022 में उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर आर्किटेक्चर के कथित दुरुपयोग की जाँच के लिए गिरफ्तार किया गया। चित्रा रामकृष्णन 90 के दशक की शुरुआत से एक्सचेंज से जुड़ी रही हैं। उन्होंने अप्रैल 2013 से दिसंबर 2016 तक इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। उन पर धोखाधड़ी के कई आरोप लग चुके हैं। अब फोन टैपिंग का नया केस दर्ज होने के बाद संजय पांडे और चित्रा रामकृष्णन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियाँ होने की संभावना जताई जा रही हैं। तो ये था पूरा मामला। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।